इस वक्त एक बड़ी खबर यूपी के एटा से आ रही है, जहां पर ओवरब्रिज गिरने से दो लोगों की मौत हो गई। दरअसल आपको बता दें, NH-91 हाईवे पर ओवरब्रिज निर्माण का कार्य चल रहा है। हैड्रा मशीन से गार्टर को जोड़ते वक्त यह हादसा हुआ है। निर्माणाधीन ओवरब्रिज का हिस्सा गिरने से दो लोगों की मौत हो गई। इस वक्त एक बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यूपी के एटा में ओवरब्रिज का एक हिस्सा गिरने से दो लोगों की मौत हो गई। NH-91 हाईवे पर यह हादसा हुआ है, जहां पर ओवरब्रिज का एक हिस्सा टूटकर वाहन पर जा गिरा, जिससे उसमें सवार दो लोगों की मौत हो गई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए एटा से हमारे सहयोगी राघवेंद्र जुड़ चुके हैं हमारे साथ। राघवेंद्र, ओवरब्रिज गिरने से एक हादसा हुआ है, क्या है इस खबर पर पूरी जानकारी? देखिए सर, आपको बता दें, ये एटा के मलावन थाना क्षेत्र का मामला है, जो छछेना के पास एक नवयुग ब्रिज बन रहा था, ओवरब्रिज, वो अचानक गार्टर हट जाने से वो गिर गया है, जिससे एक पिकअप और एक गाड़ी जो वहाँ पे काम कर रही थी, जिसको हैड्रा बोलते हैं, वो उसमें दब गया है, जिसमें पिकअप में दो लोग थे सवार, जो दोनों की मृत्यु हो गई है। प्रशासन अभी मौके पर मौजूद है। जी अच्छा, कारण क्या बताया जा रहा है राघवेंद्र, ये जो हादसा हुआ है, किस वजह से ये ब्रिज गिरा है? देखिए सर, कहीं ना कहीं ये जो यहाँ पे ठेकेदार होते हैं, उनकी लापरवाही से, इंजीनियर आता है, इंजीनियर की लापरवाही से मटेरियल गलत लगाए जाने के कारण पूरी जांच, डीएम साहब पहुंचे हैं, उन्होंने बताया पूरी जांच के बाद ही पता चलेगा क्या मामला सामने निकल के आता है। जी शुक्रिया राघवेंद्र, हमें इस तमाम खबर पर जानकारी देने के लिए। आप खबरों पर लगातार नजरें बनाए रखें। इस वक्त एक बड़ी खबर यूपी के एटा से, जहां पर ओवरब्रिज का एक हिस्सा गिरने से दो लोगों की मौत हो गई।